नमस्ते सत श्री अकाल। मैं प्रीति फूडी फैमिली में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एलोवेरा जूस, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गाइस, सबसे पहले हम एलोवेरा लीव्स लेंगे और इसको ऊपर और नीचे से हम काट देंगे और इसके साइड्स में भी हम छील देंगे इसको। गाइस इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि ये कांटेदार होती है और हाथ पे भी लग सकता है, बहुत इजीली छिल जाता है ये। और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एलोवेरा के लीव्स बहुत बड़े बड़े पीसेस मिल जाते हैं, लेकिन ये मेरे घर पे ही लगा हुआ था तो इसके लीव्स छोटे हैं, तो मैंने यही यूज कर लिया है। और एक स्पून की हेल्प से इसका हम पल्प निकाल लेंगे। गाइस आपने देखा होगा जब हम लीव्स को तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ येलो येलो सा लिक्विड ही पोर्शन निकलता है, उसको ज़रूर ही निकाल लेना चाहिए। जब मैंने ये लीव्स लिए थे तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए खड़ा करके रख दिया था और अच्छे से इसका वो येलो पोर्शन लिक्विड सा निकल गया था, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के छोड़ देते हैं कि बाय चांस कुछ हल्का सा रह गया हो तो अच्छे से वो भी वॉश हो जाता है। तो हम सारा जेल निकाल के उसको पानी में डाल देंगे और इसको हम कम से कम आधा एक घंटे के लिए पानी में ही डिप रहने देंगे। इसको मैंने एक घंटा पानी में ही छोड़ दिया था और इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। गाइस एलोवेरा जूस हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और जूस बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़े सी पुदीने की पत्ती और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने, और इसको हम मिक्सी में चला देंगे। एलोवेरा जूस हमारे पेट को भी बहुत ठंडक देता है। देखिए गाइस हमारा जूस बन गया है। बहुत ही टेस्टी होता है ये जूस, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लेट्स टेस्ट।